वक्त आ रही बड़ी खबर से, भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर को इंदौर कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली है। इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र भोपाल के कमिश्नर बनाए गए हैं। अभय सिंह भोपाल देहात के आईजी बनाए गए हैं। इरशाद वली नर्मदापुरम जोन के आईजी बनाए गए। तो बड़ा फेर बदल हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। गौरव, इन तबादलों को लेकर क्या जानकारी आ रही है? क्या एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ये तबादले किए गए हैं, या फिर जिस तरह से कानून व्यवस्था इन दिनों चल रही है और खासतौर पर मऊ का मामला आने के बाद चूंकि ये तबादले हो रहे हैं, इस पर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आज एक बड़ा फेरबदल वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उनके पोस्टिंग को लेकर देखने को मिला है। एक बड़ा ट्रांसफर, एक बड़ा फेरबदल सरकार गृह विभाग के द्वारा किया गया है। 12 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं और जिसमें सबसे बड़ी जो मुख्य बात है वो भोपाल और इंदौर को लेकर, जहां कमीशन प्रणाली लागू हुई थी जिसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है, यहाँ के कमिश्नर्स को इधर से उधर कर दिया गया है। यानी जो इंदौर के जो कमिश्नर थे हरि नारायण चारी, उन्हें भोपाल की कमान दे दी गई है। तो वही भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर अब इंदौर की कमान संभालेंगे। हाल ही में देखने को मिला था कि मऊ में एक बड़ी घटना देखने को मिली थी जहां पर एक आदिवासी युवक की गोली लगने से मौत हुई थी। उसकी भी प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि हरि नारायण चारी को अभी जो है भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है, भोपाल कमिश्नरेट की जिम्मेदारी गई है और इसी साल इलेक्शन भी है और चुनावों के चलते भी इस ट्रांसफर को देखना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इस साल चुनाव होने हैं उसके पहले जो ये प्रक्रिया है वो होनी निश्चित थी और इसी के चलते आज वरिष्ठ जो 12 आईपीएस अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर हुए हैं। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि और भी अधिकारियों के यहाँ पर ट्रांसफर देखने को मिले हैं जिसमें इरशाद वली को नर्मदापुरम का जो है जोन का जो आईजी बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अभय सिंह, उन्हें भोपाल देहात का आईजी बनाया गया है। इरशाद वली इससे पहले भोपाल देहात के आईजी के जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब उन्हें नर्मदापुरम जोन की जो है जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इस पूरे आदेश में एक छोटी चूक नाम को लेकर भी गृह विभाग के देखने को मिली है जिसमें नर्मदापुरम को होशंगाबाद नाम लिखा गया है। ऐसे में अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या गृह विभाग में जिस संभाग और जिस जिले को नर्मदापुरम नाम दे दिया गया था, क्या पुलिस रिकॉर्ड में उसे आज भी होशंगाबाद के नाम से ही जाना जा रहा है? बहरहाल फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो आज ट्रांसफर हुए ये भी अपने आप एक बड़ी सर्जरी है। हालांकि अभी आगे और भी ऐसे ट्रांसफर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन गौरव एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया था उसके बाद ये बड़े जो बदलाव हुए वो अभी हुए चुनावी साल में हुए हैं, ये जो अधिकारी जिनके बदलाव हुए हैं उनके बारे में भी हम चाहेंगे कि अगर आप जानकारी इसको लेकर दे पाए, किस तरह के अधिकारी है, इसके पहले का इनका कार्यकाल किस तरह का रहा है, कितना इनका कार्यकाल संतुष्ट रहा है, कितना असंतुष्ट रहा है, किस तरह के इनके रिपोर्ट कार्ड्स हैं? हमेशा से एक जिम्मेदारी के पद पर ही नजर आए हैं क्योंकि इससे पहले वो होशंगाबाद नर्मदापुरम जो मकान में है उसके भी आईजी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और काफी लंबे समय तक उन्होंने इंटेलिजेंस में भी अपनी जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा अगर हम हरिनारायण चारी की बात करें जो अभी इंदौर के कमिश्नर थे तो वो भी एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में हमेशा जाने जाते रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों अधिकारियों को भोपाल और इंदौर की कमान दी भी इसलिए गई थी ताकि जो कमिश्नर प्रणाली लागू हो रही है भोपाल। बिल्कुल गौरव, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम बता दें कि नर्मदापुरम जोन को होशंगाबाद लिखा गया है। भोपाल गृह विभाग से आदेश जो निकला है उसमें जो नाम लिखना था नर्मदापुरम जोन को वहां पर होशंगाबाद लिखा गया है। जिला और संभाग के नाम बदले जा चुके हैं, ऐसे में होशंगाबाद से नर्मदापुरम जो नाम हुआ है उसमें तब्दीली नहीं हुई। हालांकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है इसमें एक बात फिर से ये देखने वाली होगी कि चुनाव से पहले क्या फिर से कोई तबादला होता है, कोई बदलाव होता है, लेकिन ये तबादला जो हो रहा है इसके कई मायने निकल रहे हैं। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए थे। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।